अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मेरे गार्डन के 5 साल पुराने फूलों वाले जितने पौधे जितने प्लांट्स थे उन सब की पिक्चर्स बाकी हैं, इनकी वीडियो नहीं बनाई हुई, इसलिए मैंने जितनी पिक्चर्स थी उनको सबको इकट्ठा करके इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ आवाज़ के साथ। उम्मीद है पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सब पौधे 2-1 साल तक रहे, उसके बाद ज़्यादातर विंटर के प्लांट थे तो सब ख़त्म हो ही जाते हैं, बल्ब भी इनके नहीं रहे मेरे कोरोना की वजह से। अल्लाह हाफिज़। ये सब के सब प्लांट्स जो छोटी छोटी वीडियोस थी मेरी, उनमें ये डालिया का, टमाटर के प्लांट्स, हरी मिर्च के और बहुत सारे हैं, मिर्चों के भी हैं। और ये उसकी दूसरी दफ़ा डालिया के और पेटूनिया के और चमेली के, रात की रानी के, मोतिया के, मोगरा और वेरीगेटेड वाले कौन कौन से हैं याद भी नहीं है मुझे इतने नाम इनके, गुलाब के हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, पिंक है, येलो है, वाइट है, ये वेरीगेटेड, ये सारे के सारे ये वेंका के दोनों तीन हाइब्रिड भी। और ये वाले नीचे गार्डन में लगे हुए हैं किसी के बराबर के पड़ोस के, उसमें तो योका के 2-3 प्लांट है, ऑफ ऑर्केरिया सदाबहार के 3-4 वैराइटीज़, रंग कलर्स मुख्तलिफ़। और ये पूरी की पूरी बाउंड्री बनी हुई है, इतने खूबसूरत ग्रीन ग्रास है और उसके बीच में ये लगे हुए हैं योका वाले और केरिया वाले प्लांट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके मॉनसून के बाद तो और ज़्यादा इनकी वो ग्रोथ अच्छी हो गई है, और बड़ी ज़मीन है, बड़ा वो है तो उसमें नीचे पौधे लगे हुए हैं। और ये पोटैटो वाइन भी आगे बिल्कुल सड़क के बिल्कुल करीब बाउंड्री वॉल की तरह से बनाई हुई है उन्होंने, तो अच्छी खूबसूरत लग रही है। अब नर्सरी वगैरह में तो इतने ज़्यादा मिलते नहीं हैं ऐसे पौधे, एक एक रखे होते हैं, लेकिन घर के आगे जो बना हुआ होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है गार्डन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बाहर के इसीलिए बनाई है कि अब नीचे लगाऊंगी ऐसे ही पौधे जो छोटे छोटे लगे हुए हैं, अभी तो मेरे इतने बड़े हैं नहीं, जो बड़े 2-3 दर पौधे हैं उसके आगे घास है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।